दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में हुए खर्च पैसों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यकरण पर खर्चे गए 45 करोड़ रुपए के मामले को लेकर सीएम आवास के बाहर विशाल प्रदर्शन किया। इस मामले के सामने आने के बाद से ही बीजेपी लगातार आप पर हमलावर बनी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन के जवाब में आपकी तरफ से भी शुक्रवार को एक प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रदर्शन रद्द कर दिया गया। आपके प्रदर्शन को रद्द किए जाने का दावा करते हुए बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल मैदान से भागे, बीजेपी के आगे किया सरेंडर। बीजेपी के खिलाफ शुक्रवार को घोषित प्रदर्शन वापस लिया गया। आप सीएम के बंगले पर 45 करोड़ रुपए उड़ाने के बाद लगे आरोपों का कोई जवाब नहीं दे पा रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को लेकर अनगढ़ बातें कर रहे हैं। शुक्रवार को आपका बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन था, उसे अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया था। हमारे सूत्र बताते हैं कि इनके पास प्रदर्शन के लिए 400 कार्यकर्ता भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने प्रदर्शन को रद्द कर दिया है और बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब पूछ रहे हैं कि बंगले पर खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए का हिसाब दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते हैं। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि इतने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हुए। आपका कार्यकर्ता भी आज जानना चाहता है कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले का पैसा कहां गया। आज आपका कार्यकर्ता यह भी जानना चाहता है कि आखिर 45 करोड़ रुपए का खर्च जो आवास पर किया गया था, उसका हिसाब केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे हैं। आज आपका कार्यकर्ता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसी वजह से आप कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में प्रदर्शन रद्द किया गया। वहीं अब कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी आवास की सजावट में जनता का पैसा फूंक डाला। अलका लांबा ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है, शायद इसीलिए खामोश है। रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली इस पार्टी के सत्ता तक पहुँचते पहुँचते कथनी करनी और तेवर बदल गए। कांग्रेस नेता ने कहा, रामलीला मैदान में इन्होंने सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित की तरह महल बंगला नहीं बनाएंगे, दो कमरों के मकान में रहेंगे, लेकिन अब दिल्ली के सीएम ने 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 45 करोड़ रुपए अपने सरकारी आवास की सजावट में जनता को फूंक डाले। तल्ख अंदाज में अलका लांबा ने कहा, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके दो नेता भ्रष्टाचारों में सलाखों के पीछे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो देश के सामने आकर बोले कि मैंने आपसे झूठ बोला, गुमराह किया और आपसे माफी मांगता हूँ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।